नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में आज से कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो गया है। 60 साल से और उससे अधिक उम्र वालों को लगेगा वैक्सीन। आपको बता दें 45 साल से लेकर 59 साल के उन तमाम लोगों को भी टीका दिया जाएगा जो कि बीमारी से ग्रसित है। वहीं पहले दिन प्रदेश में करीब 23,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी। और वहीं आपको बता दें लखनऊ में 900 लोगों को जो है कोविड वैक्सीन दी जाएगी और इसी कड़ी में बाकी 3 जिलों में जो है 300 लोगों को कोरोना वैक्सीन का ये डोज दिया जाएगा। तो आज से यानी कि 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में तमाम शहरों में जो है आज से कोविड वैक्सीनेशन का फेज शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी तमाम जिले हैं जहां पर 300 लोगों को जो है कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। तो पहले दिन प्रदेश में करीब 23,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी और इसी कड़ी में लखनऊ में जो है 900 लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। और वही उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हैं जहां पर 300-300 लोगों को जो है कोविड वैक्सीन दी जाएगी। तो आज से देश में यानी कि 1 मार्च से कोविड वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए तमाम जिलों में और खास तौर से बात करूं मैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जो है तीसरा फेज शुरू हो चुका है, जहां पर अन्य जिलों में तमाम जिलों में जो है कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा चरण के तहत जो है तमाम जिलों में आज से वैक्सीन जनता को दी जाएगी, जहां पर 60 साल से अधिक लोगों को जो है कोविड वैक्सीन का टीका लगेगा। उसी के साथ जो है 45 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं जिन जो कोई बीमारी से ग्रसित है उनको भी आज वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो लखनऊ में 900 लोगों को कोविड वैक्सीन लगेगी और वहीं तमाम अन्य जिले हैं जहां पर 300-300 लोगों को जो है वैक्सीन दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का आज तीसरा फेज शुरू हो चुका है और इसी तीसरे फेज के चलते आज 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को जो है वैक्सीन दी जाएगी। तो आज वैक्सीन की तीसरी डोज उत्तर प्रदेश के तमाम वासियों को दी जाएगी। जिस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन का फेज शुरू हुआ था उसी कड़ी में आज से यानी कि 1 मार्च से कोविड वैक्सीनेशन का फेज तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है। उसी को देखते हुए आज आम जनता यानी कि 60 साल से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी और इसी कड़ी में 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता दानवीर है। दानवीर, आज से देश भर में कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा और दूसरा फेज शुरू हो चुका है, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में आज तीसरा फेज शुरू हो चुका है, क्या कुछ जानकारी, कब से इसको देखते हुए जो है अस्पतालों में लोग पहुंच रहे हैं? चरण है वो शुरू होने होगा, लगभग 12 बजे से वैक्सीन कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और जैसे लगातार जो केंद्र बने थे उन केंद्रों पर ही वैक्सीनों का सेवन किया जाएगा। साथ ही साथ जो इसमें जारी किया गया है जिस तरीके से कि 45 वर्ष से अधिक लोगों को जो 45 वर्ष से अधिक लोगों को अधिक वर्ष के लोग होंगे उन लोगों को वैक्सीन कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें की तौर की लगातार जैसे जैसे पूरे देशभर की बात करो देशभर में लगभग 192 अस्पतालों में ये टीकाकरण होगा जिस तरीके से बताया गया है। लेकिन जिस तरीके से 12 बजे टीकाकरण शुरू होगा और जिसमें बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है तो उसी आधार पर वो ध्यान में रखते हुए उसी आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। और बात करें तो जिस तरीके से जो केंद्र बनाए गए तो उन केंद्र पर खासकर कोरोना का भी ख्याल, जो जिस तरीके कोरोना की वैक्सीन लगी तो कोरोना का भी खास ख्याल रखा जाएगा, गाइडलाइन के जरिए ही इसको टीकाकरण होगा। और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि जिस तरीके से टीकाकरण की बात की गई तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा पहले, जिससे अभी बताई गई है जो आगे के लिए टीकाकरण कराना है किसी के रजिस्ट्रेशन होगा पहले, उसके बाद पंजीकरण किया जाएगा, उसके बाद उसका नंबर आएगा, फोन आएगा, तो तमाम तरह की इसमें सुविधाएं दी गई है उसी आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। और निजी बात ये निकल के आई कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर वैक्सीन कोई लगवाया जाएगा तो उससे लगभग 250 रुपए की कीमत वसूली जाएगी और उनसे ली जाएगी, 250 रुपए की कीमत बनकर तैयार हुई है उसमें ली जाएगी लगाने के बाद। तो तमाम तरह की चीजें आज निकल के आई है और तो आज दोपहर 12 बजे से टीकाकरण किया जाएगा जिसमें काफी लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। जैसे बात करें मुरादाबाद की, खासकर तो मुरादाबाद में लगभग 6 केंद्र बनाए गए हैं, TMU और जो तहसील लेवल के अस्पताल है सरकारी अस्पताल उन्होंने सब में वैक्सीन का सेवन किया जाएगा
और सब निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन की बात की दानवीर आपने, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन में कि उसकी क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, तो ऐसे में डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चाहिए होंगे उसको देखते हुए? देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो और अन्य जो जो राशन कार्ड होते हैं वो भी लगाएंगे, और जो मोबाइल नंबर है और जो भी आईडी प्रूफ होती है वो सब चीजें उसमें रजिस्ट्रेशन में लगाई जाएंगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण हो जाएगा, उसके बाद जो उसमें जैसे ही मैसेज आता है उसके बाद कॉल आती है तो उसमें जैसे डेट फिक्स की जाती है, डेट की फिक्स के आधार पर ही कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। जैसे आज डेट फिक्स की है, सब लोगों का रजिस्ट्रेशन है तो उसी आधार पर आगे के लिए पंजीकरण के लिए पंजीकृत करने के लिए कोरोना की साइट खोल दी गई है, और साइट पर उस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद जैसे जो आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको सूचित किया जाएगा। सूचित करने के बाद टीकाकरण का आपको डेट दी जाएगी, उसके आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। और आज खासकर बात करें तो आज जो वैक्सीन लगेगी वो निःशुल्क लगेगी, और जो बात निकल के आई है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कि आखिरकार प्राइवेट अस्पताल पे अगर कोई लगवाने जाएगा जैसे आने वाले समय में तो उसे लगभग 250 रुपए जमा करने होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे में दानवीर आज से उत्तर प्रदेश में तीसरा फेज शुरू हो चुका है, तो उसी को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए इंतजाम की बात करें तो जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सतर्क रहा था कोरोना काल में, उसी आधार पर आज भी स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सतर्क है और बिल्कुल पूरी तैयारियां देखने मिल रही है। जिस तरीके से पहले जो कोरोना की खास ख्याल रखा गया, मास्क लगा होना हुआ, और खासकर जिस तरीके से पूरा रजिस्ट्रेशन के आधार पर इन लोगों को बुलाया जाता है, एक एक करके अंदर एंट्री की जाती है, उस आधार पर उसके दस्तखत कराए जाते हैं। दस्तखत कराने के बाद अंदर डॉक्टर को बैठाते हैं, उसके बाद बैठाने के बाद अंदर फिर बुलाया जाता है, उसके बाद जाकर कोरोना वैक्सीन का नंबर आता है तो उससे साइन कराकर उसके कोरोना वैक्सीन दी जाती है। तो इस बात करें तो कि लगातार सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए लगातार इन वैक्सीन का सेवन किया जा रहा था, तो आज भी कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी इन वैक्सीन से जुड़े रहेंगे और उन लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना में लगातार अपनी ताकत झोंक दी थी, पूरी अपने परिवार को छोड़कर जनता की मदद की थी, तो सब कुछ देखते हुए सरकार ने बढ़िया निर्णय लिया है। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी वैक्सीन जो सरकारी लोगों को वैक्सीन देने का सरकार ने निर्णय लिया है वो कई हद तक बढ़िया था। क्योंकि सरकारी अधिकारी, हमने कई लोगों से बात की थी तो कई अधिकारियों ने यही बताया था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार कोरोना काल में जगह जगह ड्यूटियां लगाते रहे और स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सतर्क रहा था, तो ये वैक्सीन जरूरी थी, क्योंकि सरकारी अस्पताल के जो सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए बहुत जरूरी थी ये। तो आज बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकारी अधिकारी भी इस चीज को बहुत अहम मान रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है सरकार की, सरकार ने जो फैसला लिया है तो आम जनता के बीच भी ये वैक्सीन बहुत जल्दी जाने का काम किया जाएगा। क्योंकि सरकार ने आम जनता के विषय में भी बहुत ध्यान से देखा है इस चीज के लिए, क्योंकि आम जनता के लिए भी ये वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। दानवीर, आज उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज की पहले डोज दी जा रही है, ऐसे में दूसरी जो डोज है वो कितने दिनों बाद दी जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये 2 सप्ताह के बाद ये डोज दी जाएगी। जो आज की जो अभी तक की जो मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, जो मैंने जानकारी अब तक जुटाई है अधिकारियों से, तो वो ये बताई जा रही है कि जो दूसरा डोज दी जाएगी तो उसमें तो लगभग बताना चाहूंगा इसमें, क्योंकि ये लगभग 3 सप्ताह के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से इनमें समय दिया जाता है, लगभग 21 दिन का समय बीतने के बाद दूसरी डोज दी जाती है, तो वही गाइडलाइन यहाँ रखी गई है, और वही समय बीतने के बाद लगभग 21 दिन बाद दूसरी डोज देने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दानवीर सिंह आपका तमाम जानकारी देने के लिए।